तो मैं अपने गैस चूल्हा की सफाई ऐसे करती हूँ। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये हम अपने गैस चूल्हा का कैसे साफ करते हैं वो हम शूट कर लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए। और अब हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई गरम किए हैं, उसमें घी ऐड किए हैं। घी गरम हो गया है, उसमें सूजी ऐड करके उसको हम लाल होने तक, रेड होने तक खूब अच्छा सुनहरे कलर में भून लिए हैं। भूनने के बाद उसमें चीनी ऐड किए जो कि हमने नहीं दिखा पाया, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए जो कि हमने नहीं दिखाया पाया। सूजी भूनते वक्त ही हम थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, उस वक्त मेरा कैमरा बंद था, तो सो सॉरी। उसके बाद इसमें जो है हम दूध, चीनी ऐड करने के बाद, चीनी को भी थोड़ा सा भूनने के बाद साथ में दूध ऐड कर लिए। दूध में सूजी को खूब अच्छे से, दूध इसमें अधिक मात्रा में पड़ता है क्योंकि सूजी पकता है, तो इसलिए जितना अपने अनुसार हम जैसे बनाए हैं वैसे दिख ही रहा है। तो दूध ऐड करके इसको सूजी के हलवे को खूब अच्छे से पका करके लास्ट में थोड़ी सी घी फिर से ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छा हो जाए, इसका मतलब फ्लेवर अच्छा हो जाए, चिकना हो जाए, जो भी अच्छा होता है लास्ट में घी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। तो आप लोग आ जाइए हमारे घर सुबह सुबह सूजी के हलवे का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये आप सबके लिए है, प्लीज़ आप लोग खा लीजिए और बताइए कैसा लग रहा है। और इसके बाद हम बना रहे हैं चाय। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध, हम चाय ऐसे ही बनाते हैं, मतलब एक्चुअली एक ही कप पीना है, सिर्फ हम ही पीने के लिए है चाय। तो मेरा बेटा पीता नहीं है, सिर्फ हम ही पीते हैं। तो दो कप मेरी बनाने की हमेशा से आदत रही है, इसीलिए अभी भी दो कप बना लेते हैं। पर तो फिर दो कप चाय जल्दी से बन जाता है, इसी तरह से दूध पानी एक साथ ऐड करके, और कोई खास बात नहीं है। तो एक कप दूध, एक कप पानी, यानी डेढ़ कप दूध, एक कप पानी हम ऐड करते हैं साथ में, और चीनी, चाय पत्ती, सबको पता है कितना डालना है। और चाय बन करके रेडी हो गई है। तो आ जाइए आप सभी का मेरे साथ मॉर्निंग टी पर, मोस्ट वेलकम है। आप लोग भी चाय पी लीजिए और चाय पी करके बताइए कैसा लग रहा है। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।